माती मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिले भर की आशाओं ने प्रदर्शन की और एक निश्चित मानदेय दिए जाने की मांग भी उठाई। बता दे, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का है, जहां पर आज जिले भर की आशाओं ने प्रदर्शन करते हुए मांग उठाई कि उन्हें उनके काम के आधार पर एक मुश्त तौर पर निश्चित मानदेय दिया जाए। टुकड़ों में 200-400 मिलने वाला मानदेय उनकी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता। हमारी मांगे हैं, जो है हमारा जो है मानदेय दिया जाता है वो मानदेय नहीं है, उसमें टुकड़े टुकड़े करके दिया जाता है। वो हम लोगों को मतलब समझ में नहीं आता है कि हमको कितना मिला कितना नहीं मिला। हमको से मानदेय दिया जाए जिसमें हम लोगों का परिवार चल जाए, हमारा घर चल जाए, और हम लोग सारा दिन काम करते हैं और कुछ भी नहीं मिलता है, मजदूर की तरह हम लोग लगे रहते हैं। आशाओं को कम से कम 18,000 दिया जाए मानदेय, और हमारी संगनी बहनों को 25,000 किया जाए, और इसमें इतना हम लोगों को मिले, और टुकड़े टुकड़े जो हम लोगों को दिया जाता है 200, 400, 75, 80, ये हमको नहीं चाहिए। हमको केवल एक मुक्त रकम चाहिए, जो भी सरकार को देना हो वो अपना पूरा हमको एक साथ में दिया जाए। और हम लोग काम दिन रात करते हैं, दिन भर कोविड का टीकाकरण कराते हैं, रात में डिलीवरी आ जाती है, हम लोग डिलीवरी चले जाते हैं, एक दिन दो दिन तीन दिन कितना टाइम लग जाए, घर में आते हैं चूल्हा नहीं जलता, हम लोग दूसरे दिन फिर डिलीवरी आ जाती है, फिर भूखे प्यासे चले जाते हैं। हमको कुछ भी पेट भरने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए हमको पूरा मानदेय फिक्स किया जाए, और हमको टुकड़े वाला नहीं चाहिए।